श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामायण कालीन सामाजिक समरसता का वातावरण भी दिखेगा। इस आशय की पूर्ति के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ निषाद राजगो, माता शबरी और जटायु की मूर्ति सम्मान और पूजन के लिए स्थापित की जाएगी। ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से ट्रस्ट की नियमावली को भी अनुमोदित कर दिया गया। तीन प्रमुख बिंदुओं पर हुई ट्रस्ट की बैठक में श्री राम मंदिर के निर्माण की लागत का अनुमान भी लगाया गया कि मंदिर निर्माण पर फिलहाल 1800 करोड़ की लागत आएगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह धनराशि परिवर्तित भी हो सकती है। इससे पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने परिसर का जायजा लिया और भौतिक प्रगति देखी। दो साल से मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। जब काम शुरू हुआ तो लार्सन टुब्रो और भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या खर्च आएगा, लेकिन लार्सन टुब्रो की कानूनी आवश्यकताएं थी, उन्हें बताया जाए कि मंदिर पर कितनी लागत आएगी। एक साल बाद विचार हुआ तब कुछ बदल गया, फिर 18 महीने बाद विचार हुआ तो और बदल गया। आज इस पर बहुत चर्चा हुई और ऐसा लगता है कि शायद मंदिर के काम पर, अन्य बातें नहीं, और इसमें भी हो सकता है दोबारा कुछ संशोधन हो जाए कि मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है।